नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांग के नियम की व्युत्पत्ति। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा था कि मांग मात्रा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है और मांग में परिवर्तन क्या होता है, मांग वक्र के अंदर परिवर्तन क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई। मांग का नियम आपने पढ़ा है कि जब भी कीमत में वृद्धि होती है तो मांग घटती है और कीमत में कमी होती है तो मांग बढ़ती है, तो आखिर क्यों होता है और ये नियम निकल करके कैसे आया है। इसको हम दो तरह से समझेंगे। पहला है सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत, कि हम ये जानते हैं कि उपभोक्ता किसी भी वस्तु की उतनी ही कीमत देने के लिए तैयार होता है जितनी कि उसे उस वस्तु से सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम मांग के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। और दूसरा पॉइंट है सम सीमांत उपयोगिता नियम, जो ये कहता है कि MuX/PX = MuY/PY, दो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों का अनुपात बराबर होता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत, ये होती है। अब हमारा केस फर्स्ट है कि यदि ऐसा न हो तो क्या कंडीशन ली है हमने कि MU > P, यदि वस्तु की कीमत से इसकी सीमांत उपयोगिता ज्यादा हो तो क्या होगा। तो देखिए, अगर वस्तु x वस्तु की कीमत, यहाँ पर हम इसको क्या मान रहे हैं, x वस्तु की कीमत है और x वस्तु की ये सीमांत उपयोगिता, कोई एक वस्तु हमने ली है। अब उस एक वस्तु की कीमत यदि कम हो जाती है तो कीमत के घटते ही उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से ज्यादा होगी। जब उस वस्तु सस्ती मिल रही है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक चीज आप मार्केट में लेने गए, उसकी कीमत कम हो गई, कीमत के कम होते ही आपको उसकी उपयोगिता ज्यादा लगेगी, कीमत के कंपैरिजन में उससे ज्यादा उपयोगिता मिलेगी। और चूंकि कीमत के कंपैरिजन में ज्यादा उपयोगिता मिल रही है तो आप उस वस्तु को तब तक खरीदते रहोगे जब तक कि कीमत और सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती है। इसीलिए कीमत के कम होने पर उपभोक्ता वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदना चाहता है। ओके, दूसरी कंडीशन है हमारी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन पी, यदि सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो तो। इस कंडीशन को हम यूं समझते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है, जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ गई तो कीमत की तुलना में आपको उस वस्तु से जो सीमांत उपयोगिता पहले प्राप्त हो रही थी, अब कीमत के बढ़ते ही आपको उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या लगेगी, कम लगेगी। कीमत तो आपको लग रहा है कि ज्यादा देनी पड़ रही है लेकिन उतनी उपयोगिता हमें नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, आप उस वस्तु के उपयोग में कमी करेंगे, यानी उस वस्तु की मांग धीरे धीरे आप कम करते चले जाएंगे और तब तक कम करेंगे जब तक कि पुनः कीमत और सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती। इसीलिए जब भी कोई वस्तु महंगी होती है तो उस वस्तु की मांग घटने लगती है। क्यों घटने लगती है, क्योंकि महंगी होते ही उपभोक्ता को उस वस्तु की उतनी उपयोगिता सीमांत उपयोगिता प्राप्त नहीं होती जितनी पहले हो रही थी, इसलिए वो वस्तु की मात्रा को कम करता जाता है और तब तक कम करता जाएगा, उसकी मांग में तब तक कमी होगी जब तक कीमत और सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर नहीं हो जाती। दूसरा हमारी कंडीशन है सम सीमांत उपयोगिता नियम। अब सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी Y/PY, है ना, ये हमारा नियम कहता है। लेकिन हम केस फर्स्ट ले रहे हैं कि अगर MuX/PX > MuY/PY, यदि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता आपको ज्यादा, आप दो वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं और x वस्तु से सीमांत उपयोगिता आपको ज्यादा मिल रही है y की तुलना में, तो इसका मतलब क्या है, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आप x वस्तु की ज्यादा इकाइयां खरीदेंगे, है ना। और जैसे जैसे आप x वस्तु की ज्यादा इकाइयां खरीदेंगे, y वस्तु के कंपैरिजन में धीरे धीरे इसकी इकाइयों में तब तक आप वृद्धि करते रहेंगे जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं हो जाती है, है ना। उपभोक्ता x वस्तु की इकाइयों में तब तक वृद्धि करेगा जब तक, अब जैसे जैसे x वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करेगा उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लगेगी, और घटते घटते वो तब तक उसको प्रयोग में लेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाती हैं। इसी तरह दूसरा कंडीशन है हमारी MuX/PX > MuY/PY, यहाँ पर ये कंडीशन है कि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम मिल रही है और y वस्तु की सीमांत उपयोगिता ज्यादा है, तो यहाँ पर
एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम क्यों है? क्योंकि एक्स वस्तु महंगी है, इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता उसको कम लग रही है। तो जब महंगी है और सीमांत उपयोगिता कम लग रही है, तो उपभोक्ता क्या करेगा? उसके उपभोग में कमी करना शुरू कर देगा। और उपभोग में कमी जैसे करता जाएगा, उसकी कम इकाइयों की मांग करेगा, और वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाएगी। और वो तब तक उसकी इकाइयों में कमी करेगा जब तक कि पुनः साम्य वाली स्थिति MUx/PX MUy/Py नहीं आ जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मांग के नियम की व्युत्पत्ति दो आधारों पर। अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा मांग के नियम के अपवाद। उसके अपवाद का मतलब क्या होता है कि जब मांग का नियम लागू नहीं होता या जब मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है। तो जब भी मांग वक्र का ढाल धनात्मक होगा, उन सारी कंडीशंस को हम मांग के नियम के अपवाद कहते हैं। पहला है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? वे घटिया वस्तुएं होती हैं जब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उपभोक्ता उनकी मांग में कमी कर देता है। या यूं कह सकते हैं कि यदि वे वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं तो उपभोक्ता उनकी मांग भी घटा देता है। ऐसी वस्तुओं को हम गिफिन वस्तुएं कहते हैं। तो ये देखिए कि हमारा डायग्राम है, या गिफिन वस्तुओं की मांग को लिया है और इधर हमने गिफिन वस्तुओं की कीमत को लिया है। प्रारंभ में मान लीजिए कि गिफिन वस्तुओं की कीमत है ओपी और मांग है ओक्यू। यदि कीमत घटकर के ओपी वन हो जाती है तो मांग भी घटकर के ओक्यू वन हो जाएगी। तो गिफिन वस्तुओं का ढाल क्या है? धनात्मक ढाल है। इसी तरह से प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं होती हैं। प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं का भी मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? धनात्मक होता है, क्योंकि ये वे वस्तुएं होती हैं जो प्रतिष्ठा की सिंबल होती हैं। तो इन वस्तुओं की जितनी कीमत बढ़ती है, उपभोक्ता उनकी उतनी ही मांग बढ़ाता है, क्योंकि ये पैसे वालों की वस्तुएं होती हैं, ये उनके स्टेटस का सिंबल होती हैं। तो वो महंगी वस्तुएं खरीद करके अपने स्टेटस को बढ़ाते हैं। तो जैसे इनकी कीमतें बढ़ती हैं, तो उनकी मांग भी बढ़ने लगती है। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। यदि उपभोक्ता को ये लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है, तो वो वर्तमान में क्या करेगा? ऊंची कीमत पर भी उसकी मांग बढ़ा देगा। मान लीजिए वर्तमान में भी वस्तु की कीमत ज्यादा है, लेकिन भविष्य में लग रहा है कि कीमतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, तो वो वर्तमान में ऊंची कीमतों पर भी उसकी ज्यादा डिमांड करेगा। जब ऊंची कीमत पर मांग ज्यादा होगी, तो मांग वक्र का ढाल कैसा होगा? धनात्मक होगा। इसी तरह उपभोक्ता की अज्ञानता। यदि उपभोक्ता अज्ञान है, उसको जानकारी नहीं है और वो नासमझ है, तो उसी नासमझी में अनेक बार उपभोक्ता ये समझता है कि बड़े शोरूम पर या जो महंगी दुकानों पर जो चीजें मिल रही हैं, जो अधिक कीमती हैं, वो ही क्वालिटी में भी ज्यादा अच्छी होती हैं। तो इस कारण से भी वो महंगी वस्तुओं की डिमांड बढ़ा देता है और जो मांग वक्र का नियम है वो वहां पर लागू नहीं हो पाता। और लास्ट है अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे दवाइयां हैं, गेहूं है, चीनी, दूध, पेट्रोल, ये सब चीजें कीमतें बढ़ने के बाद भी इनकी मांग बढ़ती है, मांग में कोई कमी इनमें नहीं आती है, क्योंकि अनिवार्य वस्तुएं, इनके बिना जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे चैप्टर नंबर 3 मांग की अवधारणा से संबंधित सारी बातें। आप इसके चैप्टर के अच्छी तरह से नोट्स अपने कंप्लीट करिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, चैप्टर के लास्ट के, चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं और बीच के जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। और इसी के आधार पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम अपने प्रॉब्लम क्लास के अंदर इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।